भारतीय टेलीकॉम कंपनियों पर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। ये रकम देश के कुल बजट की एक तिहाई बैठती है। ये जानकारी लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। टेलीकॉम सेक्टर की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। जियो के आने के बाद बाजार में बढ़ते कंपटीशन से टेलीकॉम कंपनियां लगातार दबाव में हैं और इन कंपनियों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों पर 7,87,734 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। ये जानकारी केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने जो आंकड़े सदन में रखे वो 31 अगस्त 2017 तक के हैं। ताज़ा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये रकम भारत के कुल बजट का एक तिहाई से भी ज्यादा बैठती है। उसी साल यानी 2017-18 में भारत का कुल बजट 21,47,000 करोड़ रुपए का था। उस साल के अगर रक्षा बजट से इसकी तुलना करें तो ये रकम रक्षा बजट के 3 गुने से भी ज्यादा बैठती है। साल 2017-18 में भारत का रक्षा बजट 2,62,390 करोड़ रुपए का था। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब तक ये रकम 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी होगी। कुल देनदारियों में से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर 7,64,922 करोड़ रुपए और टावर कंपनियों पर 22,812 करोड़ रुपए का बकाया है। ये आंकड़े देश के टेलीकॉम सेक्टर की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL की माली हालत भी बेहद खराब है। सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। उधर जियो भी हाल ही में अपने 5,000 कर्मचारियों को निकाल चुका है। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।